दोस्तों अभी तक आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको लाइव स्ट्रीम करना है। आप लाइव स्ट्रीम करके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे मिनटों में कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों आप लाइव स्ट्रीम तो करते होगे, लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है, जिसके कारण आपके ना सब्सक्राइबर बढ़ रहा है और ना ही आपका वॉच टाइम बढ़ रहा है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना बिना स्किप किए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन करते ही आपके पास नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों तो मैं गोलू कुशवा, आप देख रहे हो टेक बास्केट। दोस्तों लाइव स्ट्रीम करने के कई तरीके हैं, लेकिन रियल तरीका जो है वो कोई नहीं बताता है, जिससे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम दोनों कंप्लीट होते हैं। आज मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, सर मेरा 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इसीलिए लेकर आया हूं कि आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, जिससे आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। दोस्तों तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस तरीके से आपको लाइव करना है। अगर इस तरीके से आप लाइव करना शुरू कर दोगे तो आपका एक महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, वो आपका काम है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ध्यान से देखो मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से जब लाइव पर जाओगे तो ऐसा ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको तीन सेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो तीन फीचर होते हैं, ठीक है, इनको पहले समझ लो, यहीं पर इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये तो होता है फ्लिप करने का कैमरा, आप फ्रंट कर सकते हो, बैक कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फ्रंट कर देना है और यहाँ से बैक भी कर देना है, ठीक है। तो इसको आपको फ्रंट रखना है, आप फ्रंट की तरफ से अगर कर रहे हो लाइव तो आपको फ्रंट रखना है। इसके बाद ये जो होती है, ये जो म्यूट का ऑप्शन यहाँ पर है, इस ये माइक ऑन रखना है आपको, तभी आपकी वॉइस जाएगी लोगों तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको मिलता है ये फोन का एक साइन मिलता है, अब इसका उपयोग कैसे करना है यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान, ये जो मोबाइल का आइकन दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइव के लिए। दोस्तों अब यहाँ पर देखो क्या होता है, इसी चीज को कोई भी नहीं बता रहा है और इसी वजह से आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है। अब देखो तरीका कैसे यूज करना है। दोस्तों इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देखो हॉरिजॉन्टल साइज में होगी, यहाँ पे लिख कर आ गया हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, यानी कि ये फोन जो है ये लॉन्ग फॉर्म है, जैसे कि लॉन्ग वीडियो क्रिएट किया जाता है इस तरीके का हो जाएगा। आपको करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे टिक किया ये लॉन्ग में हो गया, ठीक है, लॉन्ग साइज में हो गया। अब इस पे क्या करना है, आपको इसी पे लगा लेना, ऐसे ही लगा रहने देना। अगर आप शॉर्ट में भेजना चाहते हो, शॉर्ट फीड में भेजना चाहते हो, देखो लॉन्ग फीड जब हॉरिजॉन्टल में करोगे तो आपको वॉच टाइम मिलेगा, और जब इसको क्लिक कर देते हो तो ये वर्टिकल में हो गया। अब वर्टिकल ओरिएंटेशन का मतलब होता है ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया। शॉर्ट वीडियो इस तरीके से बनाते हो ना, तो शॉर्ट वीडियो से वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, उससे वीप्स मिलता है। तो अगर इस तरीके से लाइव करोगे तो आपको वीप्स मिलेगा, वॉच टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको यहां पर क्लिक करके हॉरिजॉन्टल में लगा लेना है, कहां पे, हॉरिजॉन्टल में। जब हॉरिजॉन्टल और अटेंशन पे लगा लोगे तब आपका वॉच टाइम काउंट होने लगेगा लाइव का। तो यहां पर यही गलती आप लोग कर देते हो, इसी वजह से आपका जो लाइव होता है उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होता, और कमेंट करते हो सर मेरे लाइव का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। तो ये सेटिंग जब तक ऑन नहीं करोगे तब तक लाइव नहीं होगा। ये मैंने पहले क्यों बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी सेटिंग से आप सारा काम कर लोगे, अभी आगे और भी चीजें हैं जिनको आपको इसके साथ में करना होता है, तब जाकर के आपका वॉच टाइम काउंट होता है। तो ध्यान से समझ लो, यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पेंसिल वाले आइकन पे पहले क्लिक कर देना है। इस पेंसिल वाले आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देगा टाइटल डालने को, तो आपके लाइव स्ट्रीम का जो भी टाइटल हो वो आपको डाल देना है, जिस माध्यम से आप लाइव कर रहे हो, जो भी बता रहे हो आप लाइव में, तो वो आपको टाइटल डाल देना। इसके बाद यहाँ पर देखो विजिबिलिटी यहाँ पे पब्लिक है, इसको आपको पब्लिक नहीं करना, यही गलती आप लोग कर देते हो, तुरंत पब्लिक कर देते हो, आपको पब्लिक नहीं करना, यहाँ पे अनलिस्टेड कर देना। अनलिस्टेड करने के बाद यहाँ पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे ऑडियंस मिल रही है, तो यहाँ पे ऑडियंस को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो यस और नो में ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यस में लगा कर रखते हैं। यस में लगाने से क्या होता है कि आपकी जो भी लाइव होगी वो बच्चों के पास जाएगी, समझ रहे हो। तो आप बच्चों को भेजना चाहते हो या सभी के पास भेजना चाहते हो, तो सबके पास जानी चाहिए ना, आपको वैसा तो कॉन्टेंट है नहीं कि बच्चे बूढ़े कोई भी देख ना सके, तो ऐसा कॉन्टेंट अगर नहीं है तो आपको नो में लगाना है। तो आपको नो में क्लिक करना है, जैसा कि मैंने नो में क्लिक रखा है, नो से करने से सभी के पास जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर दिया गया गो लाइव टुगेदर, गो लाइव टुगेदर नहीं करना है आपको। अगर करना चाहते हो तो आपको ये सामने वाला जो बटन है इसको ऑन करना होगा,
इससे आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो अपने लाइव पर, तो यहाँ पर आपके साथ में वो भी लाइव आ सकता है, तो गो लाइव टुगेदर उसी को कहते हैं। इसके बाद ऐड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिखना जानते ही होंगे आप लोग, जिस तरीके से आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखते हो उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये लाइव का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देना है पूरा। जो लाइव में टाइटल लगाया उस टाइटल को यहाँ पर लिखना है, हैशटैग लगाने हैं, कीवर्ड से लगा देना है, यही सारा सब कुछ लिखना है, ठीक है, अपने सोशल मीडिया लिंक लगा देना है। आप ध्यान से समझो, यहाँ पर लोकेशन दिया गया है, लोकेशन आप चाहो तो ऑन करना, ना चाहो तो ना करना, कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद स्क्रीन कास्ट, स्क्रीन कास्ट के सामने एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस ऑप्शन को जब ऑन कर देते हो तो आपकी स्क्रीन लाइव हो जाएगी, यानी कि अगर आप गेमिंग का चैनल बना रखे हो और गेम खेल रहे हो और लाइव करना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्क्रीन कास्ट को ऑन कर दोगे तो आपका जो लाइव होगा वहां पर स्क्रीन दिखाई देगी, आपका फेस नहीं दिखाई देगा। तो आप बिना फेस के लाइव करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन कास्ट करना है, समझ गए। बहुत सारे लोग ऐसे लोग कमेंट करते हैं, सर मैं फेस दिखाना नहीं चाहता हूँ कैमरा के सामने, लेकिन मैं लाइव करना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके से लाइव कर सकते हो। लेकिन जब आप स्क्रीन कास्ट करोगे तो आपको ऐसी चीज लाइव पे नहीं चलानी है जो आपके वीडियो पर, आपके लाइव पर कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम ला दे। जैसे कि किसी सॉन्ग को नहीं चलाना है गैलरी से, अपने फोन की गैलरी से किसी दूसरे का वीडियो नहीं चलाना है, ये सारा सब कुछ कंटेंट नहीं चलाना, आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, वही आप चला सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है शेड्यूल फॉर लेटर, अब ध्यान से समझना, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो गई हैं। अब शेड्यूल फॉर लेटर आ गया, इसके सामने ऑन करेंगे और यहाँ पे करेंगे क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हमें डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट को आपको अपने लाइव जाना है, किस डेट को आप लाइव जाना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो 13 तारीख 14 तारीख, तो हम जाना चाहते हैं 14 तारीख को, तो 14 तारीख को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। अब कितने समय पर जाना चाहते हो, तो यहाँ पे समय को सेलेक्ट करेंगे 1 बजे का, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया 1 PM, तो इसके बाद यहाँ से ओके कर दे। अब ये क्या होगा, 14 तारीख को 1 बजे लाइव अपने आप ये पब्लिश हो जाएगी, तो आपको 1 बजे रेडी रहना है और लाइव चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारा शेड्यूल सेलेक्ट हो गया, अब यहाँ पे जाना है एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप दो ऑप्शन देखने को मिले, अलाउ चैट, अलाउ रिएक्शन। दोस्तों ये चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइव को वायरल करने के लिए। दोस्तों ये अगर ऑन नहीं है तो इससे क्या होगा, जो लोग आपके लाइव पर मैसेज करेंगे तो वो अलाउ चैट अगर नहीं होगा ऑन तो आपको मैसेज नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों के पास यही प्रॉब्लम आती है कि सर मेरे पास जो लोग मैसेज करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, इसी वजह से दिखाई नहीं देता, ये चीज जो होती है इसको बंद कर रखते होते हो। अलाउ रिएक्शन, कोई अगर आपको लाइक करता है या हार्ट देता है या कुछ देता है तो यहाँ पर आपको अलाउ रिएक्शन करना, इससे क्या होगा जितना ज्यादा रिएक्शन आएगा उतना ज्यादा आपका लाइव वायरल होगा। इसके बाद अगर आप अपने लाइव पर प्रमोशन कर रहे हो किसी भी ब्रांड का तो यहाँ पर आपको इसको ऑन कर देना है, यहाँ पर इसको ऑन कर देना, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ अगर आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर इसको भी ऑन कर देना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कर लेनी, सिंपल सा ये हो गया। अब यहाँ से करते हैं नेक्स्ट, यहाँ इतना काम करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखो दोस्तों आ गया थंबनेल लगाने के लिए। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे पेंसिल वाले आइकन पर, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थंबनेल लगाना है। तो यहाँ पर देखो थंबनेल, टेक थंबनेल, अपलोड थंबनेल, तो आपने पहले से गैलरी में अगर बना रखा है तो आपको क्या करना है, अपलोड थंबनेल, अपलोड थंबनेल पर क्लिक करोगे, गैलरी पर चले जाओगे, गैलरी से आपको थंबनेल ले लेना है और लगा देना है, ठीक है, इतना तो कर लोगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है, सीधे आपको गो लाइव बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो गो लाइव दिया गया है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, अभी बिल्कुल भी नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमने शेड्यूल लगाया है कल का 14 तारीख 1 बजे का, तो अभी लाइव नहीं करना, अभी हमें क्या करना है, डन करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और इसको डन कर देंगे, सिंपल सा इसको डन कर दिया। अब डन करने के बाद ये हमारा लाइव जो हो गया वो सेव हो गया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बाकी है जिससे आपको सब्सक्राइबर मिलेगा, इतना करने से सिर्फ आपका वॉच टाइम काउंट होने लगेगा लेकिन सब्सक्राइबर नहीं मिलेगा। तो अब सब्सक्राइबर कैसे मिलेगा, देखो इससे हम यहाँ से जाएंगे बैक, बैक जाने के बाद आप अपने चैनल पर जाएंगे। ये जैसा कि हमारा चैनल है तो हम यहाँ पे लाइव पर जाले जाते हैं, ये हमारा चैनल है, हमने लाइव पर चले गए। अब देखो ये वाला हमारा जो लाइव था जो जिसको हमने कंटिन्यू यहाँ पर अपकमिंग देखो दिखा रहा है, अपकमिंग ये देखो 14 तारीख 1 बजे, तो ये अभी हमने अनलिस्टेड पे लगाया हुआ है, ये हमने शेड्यूल किया हुआ है, तो इस पर करेंगे क्लिक। यही वाला लाइव है ना हमारा जो आएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा, ये देखो ये पढ़ लेना, ये थोड़ा सा देता है इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पे देखो लाइव लिखा है 24 घंटे बाद 14 सितंबर को होगा, ये सारा सब कुछ बता रहा है। अब यहाँ पर देखो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस वाली सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, चैट फिल्टर
अब कम्युनिटी मॉडरेशन, तो आपको कम्युनिटी मॉडरेशन पर क्लिक कर देना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर इन ऑप्शन को कोई भी नहीं बताता है और इनको सेलेक्ट भी नहीं करते हैं लोग। देखो लाइव चैट यहाँ पर हमने ऑन रखी है, इसको ऑन रखना है। अब यहाँ पर देखो पार्टिसिपेंट मोड यहाँ पर एनी वन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एनी वन सब्सक्राइबर, यहाँ सब्सक्राइबर वाले पे क्लिक कर देना है। हमें क्या चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए ना आपको। अगर सब्सक्राइबर चाहिए तो सब्सक्राइबर पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी यूट्यूब को पता चलेगा कि आपको सब्सक्राइबर चाहिए। और आपके जितने भी लोग लाइव पर आएंगे जिन्होंने आपको सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आपके लाइव पर आकर के आपके चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एनी ड्यूरेशन पे, यहाँ पे 1 मिनट यानी कि 1 मिनट में हमें सब्सक्राइबर चाहिए, उसी तरीके से टाइम कम टाइम सेलेक्ट करना यहाँ पर कर दिया। अब क्या होगा, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये व्हाइट आपके चैनल का नाम होगा और यहाँ पर लिखा है टर्न ऑन सब्सक्राइबर मोड ओनली, यानी कि अब आप जब लाइव करोगे तो आपके जो लाइव होगा वो सब्सक्राइबर जितने लोग किए होंगे वही आपके लाइव पर आ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपके लाइव पर आना चाहते हैं, आपको थंबनेल थोड़ा सा कैची बनाना है, कैसा, क्लिक बेट, जिससे लोगों को लगे कि इनके लाइव पर हमें जाना चाहिए। तो वो लोग जब क्लिक करेंगे लाइव पर तो उनको एक मैसेज दिखाई देगा इस तरीके का, तो वो लोग यूट्यूब उनको मैसेज देगा कि आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो तब यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। तो वो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब आपको मैसेज करेंगे। तो ये चीजें आपको करनी है दोस्तों, और ये चीजें आप लोग अगर नहीं करते हो अपने लाइव पर तो आपका सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके को अगर आप अपनाना शुरू कर दोगे तो आपका 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वॉच टाइम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना दोस्तों। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, अपना ख्याल रखें।